सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर। एंड आज हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में। ये हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर 4 है ऑफ द लक्ष्मीकांत, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के पहले कीवर्ड की, दैट इज डेमोक्रेटिक। ऑलरेडी हमने लास्ट इसका जो पहला वाला पार्ट था उसके अंदर हमने ऑलरेडी तीन कीवर्ड्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इन तीन एस वाले जो शब्द थे इन तीनों को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग डेमोक्रेटिक के आगे के जितने वर्ड्स हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले चीज़ की डेमोक्रेटिक है क्या, तो डेमोक्रेटिक एक हमारा वर्ड है जो कि दो शब्दों से बना है। पहला है हमारा डेमोस एंड दूसरा हमारा क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी लोगों का रूल, लोगों का ही तंत्र हो, यानी कि लोग ही अपने ऊपर रूल करें। अब हम अगर डेमोक्रेटिक को या डेमोक्रेसी को डिवाइड करें तो दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है डायरेक्ट एंड सेकेंड टाइप है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है जिसके अंदर पीपल अपने ऊपर डायरेक्टली रूल करते हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड वहीं हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एंड वही रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों के लिए नियम बनाते हैं या इनडायरेक्टली लोग अपने ऊपर रूल करते हैं, और इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब सबसे पहले चीज की डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बेसिकली हम लोग चार अलग अलग फॉर्म्स में बांटते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर पहला आता है हमारा रेफरेंडम। रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो वहाँ की लेजिस्लेचर है, जिस भी देश के अंदर हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्विट्जरलैंड ले रहे हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एकदम बढ़िया रूप से फॉलो होता है। तो स्विट्जरलैंड की जो वहाँ की लेजिस्लेचर है या जो नियम बनाने वाली जो लेजिस्लेचर होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, कोई भी बिल लाती है तो वो लोगों के सामने रख देती है, पीपल के सामने रख देती है कि हम लोग इस नियम को लाएं या न लाएं। अगर लोग वहाँ पे सब लोग सहमति से अगर कर देते कि भाई नियम लाया जाए तो वहाँ पे लाया जाएगा, यानी कि ये प्रोसीजर होता है हमारे रेफरेंडम का, यानी कि लेजिस्लेचर एक बिल बनाएगी, वो लोगों के सामने रख देगी कि ये बिल हम लोग लाएं या ना लाएं। दूसरा है इनिशिएटिव। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है इसके अंदर लोग जो भी वहाँ के पीपल हैं देश के, वो अपने तरफ से एक बिल प्रिपेयर करते हैं एंड दैट बिल वो लोग सेंड कर देते हैं लेजिस्लेचर के पास कि इस बिल को आप लोग देश के अंदर लागू करिए। ये सेकेंड टाइप हो गया हमारा इनिशिएटिव। तीसरा है हमारा रिकॉल। रिकॉल के अंदर बेसिकली देश के लोग किसी भी ऑफिसर को उसके ऑफिस का जो टेन्योर होता है, ऑफिस का जो टेन्योर होता है इतने साल के बाद रिटायरमेंट होगा, उससे पहले ही उस पर्सन को हटा सकते हैं। जितना उसका टेन्योर है उससे पहले लोग वोट डाल करके उस पर्सन को रिमूव कर देते हैं अगर वो सही से काम नहीं करता है, तो दैट इज आवर रिकॉल। फिर चौथा है हमारा पब्लिसाइड। ये बेसिकली पब्लिक इशूज या बेसिकली टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर मान लेते हैं कोई एरिया है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो यहाँ पे लोगों से वोटिंग कराया जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं इस एरिया का डिवीजन हो जाए या इस एरिया में कितने लोग रहना चाहते हैं, कितने लोग इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। एंड इस प्रोसीजर से लोगों के ही मतलब मत से या जो भी लोग कहेंगे, मेजोरिटी जिसकी भी रहेगी, उस हिसाब से इस पब्लिक मैटर को या टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल हमारा स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें फॉलो होते हुए दिख जाता है। फिर हमारा सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे पीपल अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एंड यही रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए नियम बनाते हैं या इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव पास सुप्रीम पावर होता है, यानी कि लोग अपने से वोट करके 10 लोग मिलकर के या मतलब सारे लोग मिलकर के एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वही रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम पावर होल्ड किया रहेगा। अगर हम लोग डिवाइड करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी को तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है हमारा पार्लियामेंट्री एंड सेकेंड है हमारा प्रेसिडेंशियल, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की गवर्नमेंट करते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट सबसे अधिक पावर होल्ड की हो या पार्लियामेंट सबसे अधिक सुप्रीम हो, ठीक है, तो वो हो गया हमारा पार्लियामेंट्री। एंड सेकेंड होता है हमारा प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे सबसे अधिक पावर किसके हाथ में हो, प्रेसिडेंट के हाथ में हो। इंडिया की बात करें यहाँ पे पार्लियामेंट्री चलता है क्योंकि प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड है, यानी कि प्रेसिडेंट केवल नाम का है लेकिन सारा पावर पीएम और उसके कैबिनेट और जो हमारे पार्लियामेंट है उसी के पास मेन होता है।
प्रेसिडेंट के पास उतना पावर इंडिया के अंदर एक्चुअली में है नहीं। नाम के लिए भले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह माना जाता है कि सबसे सुप्रीम है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं है। तो आई होप आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये जो दो पार्ट था, दो पॉइंट था, ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारे प्रोविजन हैं। जैसे कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लेजिस्लेचर का। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करता है तो जो हमारा लेजिस्लेचर है वो उससे सवाल जवाब कर सकता है, तो उससे के जो हमारा एग्जीक्यूटिव वो इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम बात करें तो हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शन हेल्ड होता है, हर 5 साल पर इलेक्शन होता है, यानी कि कहें तो पीरियोडिक इलेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे सभी लोगों को जो भी 18 प्लस हैं उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर हम बात करें तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ भी फॉलो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं रूल ऑफ लॉ, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारे यहाँ जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कुछ भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के मामले में। तो ये कुछ प्रोविजंस हमें अपने भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो आई होप आपको ये डेमोक्रेटिक पूरा ये जो हमारा पैटर्न था अभी तक का ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और सब चीजें इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एंड सेकेंड हमारा आता है सोशल डेमोक्रेसी, एंड तीसरा अगर हम लोग डिवाइड करती हो जाता हमारा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जनरली हम लोग जब भी डेमोक्रेटिक शब्द या डेमोक्रेसी की बात देखते हैं तो हम लोग केवल सोचते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो डेमोक्रेटिक शब्द रखा गया है उसका मोटिव केवल हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देना नहीं है, बल्कि साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देना भी है, यानी कि इसका बहुत ही ब्रॉडर सेंस है डेमोक्रेटिक शब्द का। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। जब तक लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा तब तक उनके पास सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, या यूं कहें तो ये तीनों के तीनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक एक्चुअली में डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलेगा, या जो मोटिव था डेमोक्रेटिक शब्द को रखने का वो एक्चुअली में हमें यहाँ पे फॉलो होते हुए नहीं दिखेगा। यानी कि तीनों चीजें बराबर हैं, तीनों चीजों का रहना जरूरी है। अगर हम बात करें सोशल डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी को थोड़ा सा डिफाइन किया गया लक्ष्मीकांत में। सोशल डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या? तो सोशल डेमोक्रेसी एक ऐसा वे है जिंदगी जीने का जहाँ पे लोगों के पास लिबर्टी रहे, लोगों के पास इक्वालिटी रहे, एंड लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी बने रहे, लोगों के पास कहें तो भाईचारा रहे लोगों के बीच में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सभी लोगों को लिबर्टी ग्रांट हो गया लेकिन सभी लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कुछ सेक्शन, मतलब सब लोग इक्वल है नहीं, यानी कि कोई एक ऐसा सेक्शन होगा जिसको लिबर्टी का वो फायदा उठा सकेगा, यानी कि उन लोगों को आजादी मिली रहेगी, एंड कोई सेक्शन ऐसा होगा जिसको आजादी नहीं मिली रहेगी। तो इससे क्या होगा भाई, जिसको आजादी मिल गई, एक मान लेते हैं ए पर्सन को आजादी मिल गई और बी पर्सन को आजादी नहीं मिली, लिबर्टी नहीं मिली, तो ए पर्सन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसके पास ज्यादा पावर आ जाएगा, आजादी के दम पे वो ज्यादा अपने आप को डेवलप कर पाएगा, वही बी पर्सन एक जगह पर रुका रहेगा और वो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 वो पीछे होते चल जाएगा। तो ये भी चीज हमारे यहाँ अगर ऐसा है तो ये भी सही नहीं है। फिर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, जहाँ पे लिबर्टी लोगों से छीन लिया जाए लेकिन लोगों को इक्वल कर दिया जाए, यानी कि पर्सन ए और पर्सन बी अब दोनों का स्टेटस इक्वल हो गया, सब मतलब सब चीजों में ये दोनों बराबर हो गए, अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ना पर्सन ए के पास आजादी है ना पर्सन बी के पास आजादी है, ना ये कुछ कर सकता है ए ना कुछ कर सकता है ना बी कुछ कर सकता है, तो ये भी केस हमको यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। यानी कि लोगों को लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। फिर तीसरा आता है हमारा फ्रेटर्निटी। मान लेते हैं लोग इक्वल भी हो गए, ए बराबर बी हो गया, दोनों के पास आजादी भी हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दोनों के मान का हानि पहुंचा रहे हैं, या दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाईचारा नहीं है, तो भाई ये भी हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। तो वही बात यहाँ पे आता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों इक्वली ट्रीट जब तक नहीं होगा, यानी कि तीनों जब तक एक साथ हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये नहीं कहेंगे सोशल डेमोक्रेसी सही में फॉलो हो रहा है। अब इसी सेम कॉन्टेक्स्ट में 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखा था, या उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये विजन है कि जितने भी लोग हैं, जो भी भारत के सिटीजन है,
उनको सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले। अब सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब जो मैं टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि सभी लोगों को सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश रहे, सभी लोग इक्वली रहें, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखा था 1997 के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे आज के सेकेंड वर्ड की, डेट इज अवर रिपब्लिक। रिपब्लिक एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो रिपब्लिक एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट या एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे जो स्टेट का जो सबसे सुप्रीम जो हेड होगा या जो सबसे कहा जो सर्वोपरि जिसे हम लोग कहते हैं, वो बेसिकली लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, लोग उसे चुनेंगे। तो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, यानी कि जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। तो ये होता हमारा रिपब्लिक। अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी को डिवाइड करें तो हम इसको बेसिकली दो में डिवाइड करते हैं, पहला हमारा मोनार्की, दूसरा हमारा रिपब्लिक। जैसे कि हमने रिपब्लिक को देखा, जो सब देश का सबसे सुप्रीम हेड होगा वो लोगों द्वारा इलेक्ट होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी रिपब्लिक के अंतर्गत ही आता है, और इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम जो देश के हेड माने जाते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो भाई प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं, भले डायरेक्टली चुनते हैं लेकिन भाई लोग ही चुनते हैं इनडायरेक्टली वे में। तो कौन चुनता है? तो लोग। एंड एज वेल एज जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर फिक्स है, 5 years तक वो रहेंगे, उसके बाद उनको हटाया जाएगा, फिर दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट का फॉर्म, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुने जाते हैं इसीलिए, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के सबसे सुप्रीम हेड माने जाते हैं, इसीलिए इंडिया किसके अंतर्गत आता है? रिपब्लिक के अंतर्गत आता है। सेकेंड टाइप है हमारा मोनार्की, जहाँ पे देश का जो सबसे सुप्रीम हेड होगा वो या तो क्वीन या यूं बोले तो क्राउन होगा, कोई एक पर्सन, एक राजा या रानी, इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया हमारा मोनार्की। ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये हमें ब्रिटेन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। भले ही ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है, वहां पे मेन पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, लेकिन नाम के लिए ही सही, लेकिन वहां पे जो सबसे सुप्रीम हेड है वो कौन है? राजा या तो रानी, क्राउन, ठीक है। इसीलिए हम लोग ब्रिटेन को क्लासिफाई करते हैं अंडर मोनार्की। अगर हम बात करें रिपब्लिक का एक और एग्जांपल, तो हमारा यूएसए जो है वो भी रिपब्लिक के अंतर्गत ही आता है। तो आई होप आपको मोनार्की एंड रिपब्लिक के बीच में छोटा सा जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा रिपब्लिक शब्द है वो बेसिकली दो चीजों को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला चीज जो ये एक्सप्लेन करता है कि जो देश की पॉलिटिकल सॉवरनिटी होगी वो लोगों के हाथ में होगी, पीपल के हाथ में होगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की, अब भाई ये बात क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भारत के अंदर जो सबसे सुप्रीम है वो कौन है? प्रेसिडेंट। भारत की जो पॉलिटिकल सॉवरनिटी है, उस भारत एक सॉवरन कंट्री, ये तो हमें पता है। भारत की जो पॉलिटिकल सॉवरनिटी है वो ओवरऑल कहा जाए तो किसके हाथ में आती है? प्रेसिडेंट के हाथ में आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है देश के हेड है, ठीक। अब प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? तो प्रेसिडेंट को चुनते हैं लोग, पीपल। तो ओवरऑल जो देश की सॉवरनिटी वो किसके हाथ में जाती है? वो आ जाती है लोगों के हाथ में, पॉलिटिकल सॉवरनिटी लोगों के हाथ में आ जाती है, लोगों के हैंड्स में वेस्टेड हो जाती है। वहीं अगर बात करें ब्रिटेन की, फॉर एग्जांपल मिल लेते हैं ब्रिटेन, भले ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है लेकिन हेड कौन कहलाता है? क्राउन। यानी कि देश की पॉलिटिकल सॉवरनिटी किसके हाथ में जाएगी? क्राउन के हाथ में आ जाएगी, एक राजा या रानी के हाथ में जाएगी, और वो एक कोई एक पर्सन ही है, एक इंडिविजुअल है। यानी कि देश की पॉलिटिकल सॉवरनिटी ब्रिटेन के अंदर एक इंडिविजुअल के पास में है, वहीं भारत के अंदर लोगों के पास में है। तो यही एक्सप्लेन करता हमारा रिपब्लिक, पहला चीज ये एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिकल सॉवरनिटी लोगों के पास होगी। एंड सेकेंड थिंग जो हमारा रिपब्लिक एक्सप्लेन करता है वो ये है कि देश के अंदर एब्सेंस होगा, नहीं देखने को मिलेगा, क्या? प्रिविलेज क्लास। भारत के अंदर कोई भी एक क्लास ज्यादा प्रिविलेजेस को फॉलो नहीं करेगा, उसको ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। यानी कि क्राउन मान लेते हैं, फिर लेते हैं ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन के अंदर क्राउन है, तो इनके पास जो वहाँ के नॉर्मल सिटीजन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सिटीजन उठ करके क्राउन का सीट ले लेगा या क्राउन की जगह पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी के वंशज ही वहां पे बैठेंगे, जो भी राजा है उसी के वंशज वहां पे जाके बैठेंगे। लेकिन भारत के अंदर ऐसा है नहीं है, ऐसा तो नहीं जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के लड़के या उनकी लड़की नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। यहाँ पे सभी लोग, कोई भी पर्सन है, कोई भी सिटीजन है, अगर वो उसके योग्य है, और अगर जो भी मतलब रूलिंग पार्टी अगर वो चाहती है तो वो चाहे तो इलेक्शन में उसको अपना ले आए, कैंडिडेट बनाए एंड उसको जितवा दे। तो भारत के अंदर कोई भी सिटीजन आकर के प्रेसिडेंट के सीट पे बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि क्राउन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन, या इससे बहुत ज्यादा इसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। वहीं प्रेसिडेंट पे जो है जो हमारे देश के वो सिटीजन के इक्वल ही हैं। अगर ये टेन्योर उनका खत्म हो जाएगा या कोई भी सिटीजन जाकर के फिर प्रेसिडेंट बन सकता है, इस चीज से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिपब्लिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जस्टिस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, डेट इज जस्टिस।
अगर हम बात करें हमारे प्रीएम्बल के अंदर, तो जस्टिस बेसिकली तीन फॉर्म को क्लासिफाई करता है। पहला हमारा सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस एंड तीसरा हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये तीनों चीजें हमें फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके भी बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, पर अभी हम लोग बस ये समझेंगे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ट्रीटमेंट मतलब इक्वली ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बिना सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी रूप के हों, या किसी भी लिंग के हों, मतलब या पुरुष है, महिला है, या ट्रांसजेंडर है, उससे मतलब नहीं है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये बात करता है हमारा सोशल जस्टिस, ठीक है। इसका मतलब कि किसी भी एक सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सभी लोग इक्वल है, कोई भी एक सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। ये बात करता है हमारा सोशल जस्टिस। और हमारे यहाँ बात करें तो इस सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए जो हमारे यहाँ जो पिछड़े जातियाँ थी, जैसे कि SC ST, फिर जो हमारे यहाँ OBC हैं, और जो हमारे यहाँ वुमेन हैं, उन सभी लोगों को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया गया बाय गिविंग देम रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जो है वो इसलिए दिया गया ताकि सभी लोग इक्वली हो जाएं, क्योंकि ये लोग थोड़ा पीछे रह गए थे एज कम्पेयर टू जनरल, एंड इसीलिए इनको भी थोड़ा सा इनके बराबरी में लाने के लिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी भी देखने को हमें मिल जाती है। फिर सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस ये बात करता है कि किसी भी पर्सन के को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि अगर हम अमीर हैं तो हमको ज्यादा प्रिविलेजेस दिया जाएगा, कोई गरीब, अगर हम गरीब हैं तो हमको कुछ नहीं मिले, तो ऐसा नहीं हो, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएं। भारत के अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी स्थिति में, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, ये बात करता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। अगर हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस इन दोनों को एक में कंबाइन करके बोले तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव, आप अगर लक्ष्मीकांत लेके बैठे तो वहां पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यानी कि जब हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इन दोनों को एक साथ एक वे में अगर बोलना है तो हम उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस ये बात करता है कि सभी सिटीजन को इक्वली पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, सभी लोगों को पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर इक्वली एक्सेस मिलेगा, एज वेल एज गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई आवाज उठा रहा है तो सभी लोग की आवाज इक्वल होगी। ऐसा नहीं कि कोई अगर अमीर है या कोई बड़ा है या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल ना किसी एक ग्रुप का है तो उसके बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, बल्कि जो दूसरे लोग हैं जो गरीब हैं उनकी बात को यहाँ पे नहीं रखा जाए। तो ये बात करता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सभी लोगों के पास इक्वली पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे, सभी लोगों को पॉलिटिकल ऑफिस, जितने भी हमारे हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, जो पॉलिटिकल ऑफिस हैं, उनको एक्सेस करने का अधिकार है, एज वेल एज सबके वॉइस का इक्वली वेट है, सब लोग इक्वली हैं। ये बात करता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। अगर हम बात करें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, ये आइडिया हमने लिया है फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन से हमने इंस्पायर होकर के अपने प्रीएम्बल के अंदर कहें तो ये तीनों चीजों को यहाँ पे रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज अवर इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है किसी एक सेक्शन को अगर स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जा रहा है तो उस केस में कहेंगे कि भाई हमें इक्वालिटी देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अगर हम ए पर्सन को स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं और बी पर्सन को नहीं दे रहे हैं तो क्या हम लोग कह पाएंगे कि यहाँ पे इक्वालिटी है? नहीं भाई, यहाँ पे एक पर्सन को दिया जा रहा है, बी पर्सन को नहीं दिया, तो इक्वालिटी नहीं है। या तो हम ए को दे रहे हैं तो बी को भी दे दें, या तो अगर हम ए को नहीं दे रहे हैं तो बी को भी नहीं दें, यानी कि दोनों को अगर स्पेशल प्रिविलेजेस देना है तो दोनों को दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। किसी एक को, ऐसा नहीं कि एक को दे दीजिए दूसरे को नहीं दे, तो ऐसा नहीं, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट कीजिए। अगर ए को दिया जाए तो बी को भी मिले, बी को नहीं दिया जाए तो ए को भी नहीं मिले। तो दैट इज आवर इक्वालिटी। एज वेल एज इक्वालिटी ये भी बात करता है कि सभी लोगों को, प्रत्येक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मान लेते हैं कोई वैकेंसी आ रही है तो ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन को उठा करके बस बोलिए कि यही लोग केवल भर सकते हैं फॉर्म, बच्चे ये लोग नहीं भर सकते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो ऐसा नहीं हो, सभी लोग को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, दैट इज आवर इक्वालिटी। अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल के अंदर जो इक्वालिटी है वो बात करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिले, सभी लोग का स्टेटस बराबर हो, ना कोई अपर कास्ट, ना कोई लोअर कास्ट, ना कोई मेजोरिटी, ना कोई माइनॉरिटी, ना कोई काला, ना कोई गोरा, सब कोई इक्वल हो। एज वेल एज ये बात करता है अपॉर्चुनिटी का, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसा कि हमने देखा
सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी की, तो बेसिकली हम उसको तीन डायमेंशन में बांटते हैं, पहला सिविक, दूसरा पॉलिटिकल, एंड तीसरा हमारा इकोनॉमिक। सिविक के अंदर बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारे प्रोविजन हैं जो कि सिविक इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, ये बात करता है हमारा आर्टिकल 14। फिर बात करें आर्टिकल 15 की, तो ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और द बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 क्या बात करता है, किसी के जाति के आधार पे, किसी के रंग के आधार पे, किसी के रूप के आधार पे, कहाँ उसका जन्म हुआ है, इस आधार पे किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी लोग इक्वल हैं, किस इस आधार पे किसी भी पर्सन के बीच में भेदभाव ना हो। तो ये बात करता है आर्टिकल 15। फिर बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 बात करता है कि सभी लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म आ रहा है या किसी भी तरह का वैकेंसी आ रहा है, तो सभी लोग को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 17 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत जो पहले चलता था बहुत ज्यादा, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको एबॉलिश कर दिया जाए। ये है हमारा आर्टिकल 17, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 18 जो कि बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हमारे खानदान में, हमारे पहले पूर्वज में कोई राजा हुआ करता था, कोई महाराजा है, कोई इस तरह से हुआ करता था सम्राट, तो हम वही वाला टाइटल उठा करके हमारे पूर्वज थे तो हम वही टाइटल लेके निकल पड़े कि हम अपने नाम के आगे अभी लगाएंगे और कोई और नहीं लगाएगा, तो भाई एक तरह से इक्वालिटी नहीं रहेगी। ये बात करता है एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी कि इस तरह का कोई भी टाइटल आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी की, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो प्रोविजन ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को शो करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन जो कि आर्टिकल 325 में देखने को मिल जाता है, जो कि ये कहता है कि किसी पर्सन को उसके रिलीजन, उसके रेस, उसके कास्ट और उसके सेक्स के आधार पे आप ये नहीं कर सकते कि आप चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर हम एज की लिमिटेशन को हटा दें, तो इन सभी मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, इसके आधार पे आप किसी एक पर्सन को ये नहीं कर सकते कि आप फला रिलीजन के हैं तो आप चुनाव मत लड़िए, आप फला कास्ट के हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या पुरुष हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो महिला हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसा नहीं है, इन सभी बेसिस पे भी हो या किसी भी तरह से अगर बात किया जाए, अगर एज को हटा दिया जाए और कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, तो सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं या अपने आप को वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि बात करता है कि सभी लोग जितने भी 18 या 18 प्लस हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम लोग कहते हैं। आप 18 या 18 प्लस हैं, आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी सेक्स के हैं, आप 18 या 18 प्लस अगर आप हो गए हैं, तो आप आराम से स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के अंदर, स्टेट असेंबली के इलेक्शन के अंदर या लोकसभा के इलेक्शन के अंदर आप वोट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें शो करती हैं कि भारत के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें एडल्ट फ्रेंचाइज की, तो ये हमें आर्टिकल 326 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो 325 जिसके अंदर ये पॉइंट था जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एंड आर्टिकल 326 जिसके अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो ये बहुत सारे डीपीएसपी के अंदर प्रोविजंस हैं जो कि इस इकोनॉमिक इक्वालिटी को शो करते हैं, जिसमें से एक हमारा आर्टिकल है, डेट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये बात करता है कि मैन या वोमेन, इन दोनों पर्सन को या इन दोनों व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके वर्क में जो भी काम कर रहे हैं उसमें इक्वली पेमेंट किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई पुरुष है तो उसको ज्यादा पैसा दिया जाए, कोई महिला है तो उसको कम पैसा दिया जाए। अगर दोनों वर्क इक्वल कर रहे हैं, दोनों का टाइम इक्वल है, तो जितना पुरुष को पैसा मिलेगा, जितना पुरुष को पे किया जाएगा, उतना ही वोमेन को भी पे किया जाएगा, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाएगा। तो ये बात करता है आर्टिकल 39, और ये इकोनॉमिक इक्वालिटी को शो करता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए ये एक आर्टिकल हमें देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के लास्ट वर्ड की, दैट इज आवर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का भाई मतलब क्या होता है, तो फ्रेटर्निटी को हम हिंदी में कहते हैं बंधुत्व, या एक तरह से हम लोग कहें तो भाईचारा। तो जो हमारा फ्रेटर्निटी वर्ड है, इसका मेन मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि लोगों के बीच में भाईचारा बने रहे, एज वेल एज इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस, तो ये भी हम लोग फ्रेटर्निटी को बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फ्रेटर्निटी वर्ड है उसको प्रीएम्बल में रखा गया है, और जब प्रीएम्बल में इसको रखा गया, तो कब रखा गया पहले ये सवाल आता है, तो भाई इसको ये स्टार्टिंग में हमारा प्रीएम्बल बना था, तो स्टार्टिंग में फ्रेटर्निटी वर्ड एक्चुअली में था नहीं, बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत हमारे प्रीएम्बल के अंदर इस फ्रेटर्निटी वर्ड को भी जोड़ा गया था, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रेटर्निटी वर्ड है, जब हमारे प्रियम्बल के अंदर जोड़ दिया गया, तो हमारे प्रियम्बल के रिस्पेक्ट में फ्रेटर्निटी का क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। तो जो ये फ्रेटर्निटी वर्ड है, ये दो चीजों को एश्योर करता है। पहला, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी बने रहे, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा या कहें तो उसका व्यक्तित्व बने रहे। एंड सेकेंड थिंग, हमारे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, देश है, उसकी यूनिटी बने रहे, यहाँ के लोगों के बीच में आपस में भाईचारे, सब लोग एक साथ रहे, एकता बनी रहे, एंड देश की अखंडता भी बने रहे, देश की इंटीग्रिटी बनी रहे। तो ये बात करता है हमारा वर्ड फ्रेटर्निटी। आई होप आपको ये पॉइंट जो छोटा सा था वो समझ में आ गया होगा। अब लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी को और बढ़िया से बनाने के लिए, लोगों के बीच में भाईचारा और अच्छे से रहे, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर बहुत सारे प्रोविजन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक हमारा सबसे मतलब बढ़िया वाला प्रोविजन कह सकते हैं, वो है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत के अंदर जैसा कि हमें पता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे देश के अंदर स्टेट्स के लेवल पे, स्टेट लेवल पे बेसिकली कोई भी सिटीजनशिप ग्रांट नहीं है। आप किसी भी राज्य के हैं, आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, वो पूरे देश का होगा। तो इससे लोगों के बीच में एक और कष्ट, तो लोगों के बीच में भाईचारा बना रहता है, लोगों के बीच में यूनिटी बनी रहती है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे दूसरा या शायद तीसरा पैराग्राफ में वहाँ पे के एम मुंशी साहब, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, ठीक है, तो के एम मुंशी साहब जो थे वो एक हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने ये बात रखा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो डिग्निटी को एश्योरिटी की बात की गई है कि सभी लोगों की डिग्निटी बनी रहे, ये साबित करता है या ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल एक मटेरियल बेटरमेंट के लिए नहीं बनाया गया, यानी कि केवल नाम के लिए नहीं बनाया गया या बाहरी रूप से दिखने के लिए कि भाई एक संविधान है, इसलिए नहीं बना दिया गया है, बल्कि हमारे संविधान जो बना है वो देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है या जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, और ये शो करता है कौन, प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी को एश्योर रखने की बात। देखिए, अब अगर ऊपर ऊपर से संविधान बना दिया जाता, कोई भी नियम डाल दिया जाता, तो यहाँ पे शायद एक एक पर्सन के बारे में नहीं सोचा जाता, लेकिन हमारे संविधान को ऐसा डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में भी यहाँ पे बात रहे। तो यही बात इन्होंने भी रखा था। अब हम बात करें कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे संविधान के में देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट तो वहाँ पे देखेंगे। एंड सेकेंड, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51A जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसके अंतर्गत कुछ ड्यूटीज के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे कि हम बात करें तो वहाँ पे बात किया गया है कि वुमेन की डिग्निटी, जितनी भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। फिर हम बात करें तो यहाँ पे बात इसी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ये भी बात किया गया है कि सभी जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं देश के, उनका ये कर्तव्य है कि वो देश की सॉवर्निटी, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें, इसको बनाए रखें। तो ये लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है, ये बात रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत। और फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में, आर्टिकल 51A, ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारे DPSP है, इसके अंदर भी कुछ प्रोविजन हमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ प्रिंसिपल देखने को मिल जाएंगे, जो कि फर्दर बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी बने रहे या देश की अखंडता बनी रहे या ओवरऑल बोलते फ्रेटर्निटी की बात करता है। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत चीजें फ्रेटर्निटी के बारे में। एक लास्ट पॉइंट जो हमारे इसी मतलब फ्रेटर्निटी के अंतर्गत शायद लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो हम लोग अब देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमें आर्टिकल 1 के बारे में जिक्र देखने को मिलता है, मेन आर्टिकल 1 ही है इसके अंदर। आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 एक्चुअली में बात क्या करता है, तो आर्टिकल 1 कहता है कि जो हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी कि राज्यों का संघ होगा। ये पहला चीज तो सीधे सीधे ये क्लेरिफाई कर देता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य अपने आप को इंडिया से बाहर नहीं निकाल सकता है। किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि अपने आप को सीड कर ले फ्रॉम इंडियन फेडरेशन, यानी इंडिया से। कोई भी स्टेट आज इंडिया का पार्ट है तो कल ये नहीं कर सकता कि हम इंडिया को छोड़ करके चले जाएंगे। तो यूनियन ऑफ स्टेट सीधे सीधे ये क्लियर कर देता है कि कोई भी स्टेट इंडिया को छोड़ करके नहीं जा सकता है। और ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बने रहे, ये फ्रेटर्निटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड आर्टिकल 1 भी इसी के तहत काम करता है। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 1 है वो भी एक तरह से फ्रेटर्निटी को ही शो करता है। जितने भी फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट चीजें हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म, फिर हम बात करें तो रिलीजनिज्म, अपने रिलीजन को केवल हम लोग प्रमोट करें, अपने रिलीजन को सर्वोपरि माने, रेस्ट ऑफ द रिलीजन को हम लोग उतना सही नहीं करें, उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव करें। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि फिर बात करें लिंगुइज्म, अपने लैंग्वेज को ही
सर्वोपरि रखना, कास्टिसिज्म, अपने कास्ट को, फिर सेसोसिज्म एंड रेस्ट, बहुत सारी और चीजें भी हैं जो कि एक तरह से कहा तो सोसाइटी के लिए इविल चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं जो कि हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्रत्येक की व्यक्ति की डिग्निटी, इन सबको जो हार्म पहुंचाती हैं, इनको देश के ऊपर हावी न होने दिया जाए, ऐसे भी प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर हैं। और फ्रेटर्निटी का यही ऑब्जेक्टिव कि ऐसी चीजें हमारे सोसाइटी के अंदर नहीं आए। तो आई होप आपको ये जो हमारा आज का ये वीडियो था अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।